सो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स रिलीज होने वाली है थिएटर में जल्दी 2 जून को। तो मैंने उसका ट्रेलर देखा है। तो अगर मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी उसके ट्रेलर में, जैसे कि मेरे को बस आपसे ये डिस्कस करना था कि इस ट्रेलर में कौन कौन से स्पाइडरमैन हमें दिखाए गए हैं, कौन कौन से स्पाइडरमैन एकदम मतलब 0.2 सेकंड के लिए दिखाए गए, लेकिन वो दिखाए गए हैं। जैसे कि अगर आपने स्पाइडरमैन PS5 का गेम खेला होगा तो उसमें जो भी आपको कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जो भी मतलब स्पाइडरमैन के सूट्स दिखाए गए हैं, वही सारे स्पाइडरमैन अलग अलग मल्टीवर्स से आए हुए आपको इस मूवी में दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आपने हिंदी ट्रेलर देखा होगा तो उसमें एक शॉट आता है जिसमें मतलब पूरा कैमरा घूम के पीछे जाता है और वो सिर्फ शायद 2-3 सेकंड का होगा, उसमें बहुत सारे स्पाइडरमैन दिखाए जाते हैं। तो उस स्पाइडरमैन में हमें अलग अलग टाइप के स्पाइडरमैन दिखाई दिए। जैसे कि पहले तो उससे पहले एक शॉट आता है जिसमें आपको जो स्पाइडर पंक है वो दिखाया जाता है, मतलब जो अपना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो सब। और उसके बाद एक और शॉट है जिसमें स्पाइडरमैन PS4 से ही, मतलब ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये आधे, मतलब आधे नहीं, मूवी तो पता नहीं मेरे को, लेकिन जितने भी मैंने उस शॉट में एनालाइज किए, जितने भी मैंने उसमें देखे हैं, तो उस हिसाब से तो मैंने ये देखा कि जो स्पाइडरमैन PS4 का जो गेम आया था उसी के आधे कैरेक्टर्स उठाए, और आधे जो स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स आया था उसमें से आधे कैरेक्टर्स लिए हैं। तो जैसे कि अपना जो हनी बी वाला स्पाइडरमैन है जो मक्खी बना फिरता है, और उसके बाद जो अपना स्पाइडरमैन वेयरवुल्फ है वो आई थिंक सो है नहीं, और साथ में मेरा सबसे फेवरेट जो मैं बहुत एक्साइटेड उसको देखने के लिए, पवित्र प्रभाकर सबसे बेस्ट कैरेक्टर, उसको लगता है स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इंडिया वालों के लिए। तो अगर इन लोग को अपनी, मतलब जो स्पाइडरमैन वाले हैं उनको अपनी मूवी फेमस करवानी है तो इसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया को एक नया इंडियन स्पाइडरमैन देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो एक इंडियन स्पाइडरमैन जो कि मुंबई से आया है, पर मुंबई को मूवी में मुंबैटन बताया है, और उसके बाद ऐसा सुनने में आया है कि टॉम हॉलैंड, टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का भी कैमियो होगा, एनिमेटेड वर्जन में होगा या फिर ह्यूमन बॉडी में, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मोस्टली मैं यही सोचता हूँ एनिमेटेड में, क्योंकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसमें हमने देखा था कि जब वो सारे पोर्टल से ट्रैवल कर रहा होता है उस टाइम पे, और मतलब वो एक एनिमेटेड पोर्टल भी आती है, तो वही एनिमेटेड पोर्टल एनिमेटेड वर्जन में वो हमारे जो स्पाइडरमैन से तीनों वो उस एनिमेटेड वर्जन में आएंगे और अपना थोड़ा सा कैमियो देंगे जो मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ा होगा। और उसके बाद हमें स्पाइडर वुमेन भी दिखाई जाएगी वही अपने कॉमिक वर्जन में, और उसकी थोड़ी झलकी हमें ट्रेलर में भी दिखाई गई थी, और साथ साथ हमें स्पाइडरमैन 2099 भी दिखाया जाएगा। अब ट्रेलर में भी दिखाया, लेकिन वो ट्रेलर में मतलब उसको एंटी हीरो भी बताया और वो विलन भी बताया गया, मतलब ट्रेलर के कुछ एक सीन ऐसे जिसमें वो थोड़ा अच्छा टाइप दिखाया गया, और ट्रेलर के कुछ एक ऐसे सीन्स भी है जिसमें वो थोड़ा नेगेटिव वे में दिखाया गया। तो अब वो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो पॉजिटिव साइड है या फिर नेगेटिव साइड है। अगर पॉजिटिव हुआ तो शायद विलन कोई और हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो फिर विलन वही होएगा। और अगर और भी बात की जाए तो हमें दिखाया जाता है स्पॉट, जिसके पास एक पावर पोर्टल्स बनाने की, और साथ में एक जानवरों की टोली जिसमें एक कैट, और कैट के पास स्पाइडर की शक्ति है, और जानवरों की टोली में दूसरे नंबर पे आता है डायनासोर्स, और इसके भी पास स्पाइडरमैन की शक्ति है। और साथ साथ हमें इसमें स्पाइडरमैन नोवे उनका भी एक छोटा सा रेफरेंस मिलता है। तो एक ट्रेलर है जिसमें जो हमारा स्पाइडरमैन 2099 है वो बोलता है कि जो हमारा अर्थ 999 है उसमें पीटर पार्कर, मतलब जो टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर है, और साथ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसने सारा मल्टीवर्स को छेड़खानी किया था। तो ये वही वाला सीन है जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारे पीटर पार्कर ने वो थोड़ा मुंडरचा किया था, तो यही वाले सीन को रेफरेंस दिया गया ट्रेलर में, जो एक बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी अब तक की एनालाइजेशंस, बाकी की चीज़ें तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगी। और आप बताइए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।